KMnO4, इसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट, और इसको हम लोग 500 ml के मेजिंग सिलेंडर के अंदर रख रहे हैं। और इसको हम लोग इसलिए रख रहे हैं क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें से जा करके KMnO4 ले करके अपने टेबल पे जा करके अपने अपने ब्यूरेट में फिलअप करेंगे इसके। बस हो गया, आराम से बस 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 ठीक है। सो दिस इज द ब्यूरेट, और इस ब्यूरेट के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर बबल्स है। सो यहाँ पे बबल्स नहीं हो रहे, ठीक है। सो वी आर जस्ट रिमूविंग द बबल्स, ठीक है। तो अब ये बबल्स को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा सोल्यूशन जो KMnO4 है, ठीक है, वो इसके अंदर थोड़ा सा ऐड कर दे। पर अभी देखो मैंने एक मिस्टेक करने जा रहा था, वो मिस्टेक ये थी कि ये यहाँ से ओपन था, तो अगर मैं यहाँ से डालता तो नीचे गिर जाता, ठीक है। तो ये मिस्टेक आपको अवॉइड करनी है, इसको मैंने क्लोज रखा है। और अब हम लोग डालते हैं इसके अंदर KMnO4, और इसको क्या बोलते हैं, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं बच्चे, इसको फनल, वेरी गुड, ठीक है। तो फनल से डालोगे ना तो ईजिली चले जाएगा, पर देखो डालते समय नीचे देखना आपको लीकेज तो नहीं हो रहा, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ इसको पहले पूरा फिलअप करने की कोशिश करता हूँ। और ये मैं किस में डाल रहा हूँ बच्चों, ब्यूरेट में, ब्यूरेट में देख लेना अच्छी तरीके से, ये देखो ठीक है जा रहा है, ठीक है। और आराम से डालना, डरना नहीं नहीं, ठीक है। सर लीक हो रहा है, लीक हो रहा है, हाँ हाँ, उसको क्लोज करो वहाँ से, ठीक है, क्लोज हो गया। ऑलराइट, और तो इसका मतलब ब्यूरेट में प्रॉब्लम है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी हम लोग ब्यूरेट दूसरे ब्यूरेट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। एक कोनिकल के लीक हो रहा है ना, सो अब यहाँ पर हम लोग एक प्रॉब्लम में फंस चुके हैं, क्या कि हमारा ब्यूरेट लीक हो रहा है, लीक हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम ब्यूरेट को हम चेंज करेंगे, ठीक है। ब्यूरेट को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, ऑलराइट। सो इस ब्यूरेट के सॉल्यूशन को हम लोग यहीं रोकते हैं, हम दूसरा ब्यूरेट लेके आएंगे। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है, देखो मेरे बोलने से पहले ही ब्यूरेट आ चुका है, है कि नहीं है, नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि ये लीकिंग हो रहा था ब्यूरेट का, इसके लिए हम लोग को इसको भी इसको चेंज करना पड़ेगा, राइट। अभी नहीं हो रहा, अभी नहीं हो रहा है, राइट, अभी सही है, अभी सही है इसका मतलब। पहले वो इसके लिए हो रहा रहेगा क्योंकि ये यहाँ से खुला रहेगा, अभी मैंने इसको टाइट कर दिया तो नहीं हो रहा, ठीक है। अब यहाँ पर आप मार्किंग देखो, ये जीरो पे नहीं, सो मार्किंग कितने में होना चाहिए, जीरो पे होना चाहिए, ठीक है। बच सकते हो, फिर से गलती, फनल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, ऑलराइट। अभी आप लोगों को देखने में अजीब सा लग रहा है कि मैं कर क्या रहा हूँ, बट आप लोगों ने प्रॉब्लम नहीं देखा, मैं उस प्रॉब्लम से टैकल, ठीक है। अब देखो जीरो के ऊपर हो गया, तो हम क्या करेंगे, इसको अप टू द मार्क यानी कि जीरो पे लिखेंगे, एवरीवन इज गेटिंग माई पॉइंट, राइट। इसमें अपर मेनिस्कस और लोअर मेनिस्कस रहता है, तो वो देख करके आप इसको जीरो पे लेके आ जाए। तो यू कैन सी इधर पास में देखो, ठीक है, दिख रहा है आपको, राइट। सो अब ये हो चुका है, अब क्या करेंगे, एक मेरे को फ्रेश कोनिकल फ्लास्क को पटा सकते फ्लास्क, गेटिंग माई पॉइंट। सो अब इसके इसके अंदर अपने को ऑक्सैलिक एसिड लेना है, ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है कमेंट में बता दें, ऑक्सैलिक एसिड इसके अंदर लेना है। अब ये ही ऑक्सैलिक एसिड एग्जामिनर जो होगा, तो जो देगा वो अलग अलग दे सकता है, ठीक है। जैसे इसके अंदर हम लोग 10 ml में इसमें भी लेने वाला हूँ, तो मैं ऑक्सैलिक एसिड लेकर के आपको दिखाता हूँ। सर आप इतना सर एक मिनट करवा देते हो एक बार, सो इधर आ जाइए। सो ये मैंने मेजिंग सिलेंडर में ले लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ से भी 10 ले सकता हूँ ऐसे करके, पर आप यहाँ देख सकते हो 50 के ऊपर भर दिया हमने, राइट। तो ये गलत बात है, तो इसको मैं एक काम करता हूँ, 10 ml ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है, ये देखो 50 तक है, तो मैं इसको 40 तक डाल देता हूँ, पर ये गलत कर रहा हूँ मैं एक्चुअली, मुझे पीपेड से इसको करना चाहिए, ठीक है। पीपेड से करूँगा तो बेटर है, राइट, क्योंकि इसमें अगर मैं एग्जैक्ट 10 कैसे ले सकता हूँ, नहीं ले सकता ना, ये 50 तक भरा हुआ है, 40 तक, अब देखो मैं लेने की कोशिश करता हूँ, वैसे तो मैं नहीं आएगा, इम्पॉसिबल जैसा है एक तरीके से, ठीक है। अब देखो मैं अगर ले लेता हूँ ज़्यादा हो गया तो, ठीक है, ऑलराइट। ये तो एग्जामिनर आपको देगा, आपको छोटा सा मेजिंग सिलेंडर लेना है, ठीक है। ये देखो अभिषेक सर बोले तो एक नंबर, 40 तक ही ले लिया, दिख रहा है, ठीक है। अब ये हो गया इसके अंदर 10 ml,
ऑलराइट। ऑक्सैलिक एसिड 10 ml पीपेट के थ्रू हम लोगों ने इसके अंदर ले लिया, ठीक है। फिर उसके बाद एक टेस्ट ट्यूब हम लोगों ने इसके अंदर H2SO4 डाल दिया, ठीक है। अभी अपने को टाइट्रेशन करना है, लाइट पिंक कलर चाहिए, ऑलराइट। सो देखते हैं लाइट पिंक आता है क्या, क्या लगता है आएगा लाइट पिंक? आएगा आ गया। देखो ये कुछ ज़्यादा ही बेबी पिंक हो गया, ठीक है। थोड़ा सा और हल्का सा, इतने में भी चलेगा पर थोड़ा सा और रहेगा तो थोड़ा ठीक है, इस तरीके का। अभी क्या बना? अब ये हमारा प्रोडक्ट आ चुका है, ठीक है। इसके बारे में आगे का प्रकाशन बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। सर कलर चेंज हो रहा है क्या थोड़ी देर में? सो दिस इज द टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट, और बहुत ही ईजी है, इसमें आप याद रखिएगा। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, एक छोटी सी मिस्टेक, एक सेकेंड, एक छोटी सी और मिस्टेक। इसको हीटिंग भी करना है, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड और फिर 1 test 2 molar H2SO4 डाल के 60-70 डिग्री सेल्सियस पे हीटिंग भी करना है। सो हमने इसमें हीटिंग का स्टेप हटा दिया, ठीक है। सो आप लोग हीटिंग करिएगा और हीटिंग करने के बाद आप टाइट्रेशन करिएगा। हम देखो इस वीडियो के थ्रू आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको ये नहीं करना है, आपको क्या करना है ये तो आपको समझ में आ जाएगा जब आपको ये पता होगा कि आपको ये नहीं करना है, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और एक बार हमारे बच्चों को दिखा दो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए इस तरीके से छुपते हुए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और दूसरा एक्सपेरिमेंट सिंपल है, कुछ नहीं है। ऑक्सैलिक एसिड की जगह पे FAS लेना है और उसके अंदर हीटिंग नहीं चाहिए रहेगा, ठीक है। FAS लेना है और हीटिंग नहीं चाहिए रहेगा, ऑक्सैलिक एसिड वाले में हीटिंग चाहिए रहेगा। That's it. Thank you so much.